केमला गांव में मुख्यमंत्री की जनसभा पर हुए बवाल को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को बड़ी नसीहत दी है। सोनीपत के खरखौदा में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने सरकार को इस बात की चेतावनी पहले से ही दे रखी थी, लेकिन सरकार की जिद ने ये हंगामा करवा दिया। दीपेंद्र ने कहा कि किसानों से जिद और टकराव ठीक नहीं है, इसीलिए सरकार टकराव पर रास्ता छोड़कर किसानों की समस्याओं का समाधान करे। सरकार को जिद के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। जब पिछले कई दिनों से किसान ये कह रहे थे कि भाई ये कार्यक्रम का बहिष्कार किया जाएगा, तो यहाँ तक कि जब रिपोर्ट भी प्रशासन की गई थी कि भाई यहाँ पे अभी कार्यक्रम के का माहौल नहीं है, तो ऐसी इन परिस्थितियों में सरकार को टकराव के रास्ते को बढ़ाने की बजाय उसके मूल जो प्रश्न है उसमें जाना चाहिए था। किसानों को जो अब किसान इतने लंबे समय से बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, उन मांगों के विषय को उस बात का समाधान देने की तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार को। अपनी जिद और टकराव का रास्ता मैं समझता हूँ अभी किसानों के साथ ये रास्ता ठीक नहीं है। आपने देखा कितने लंबे समय से हजारों लाखों की तादाद में पूरे देश का किसान अलग अलग जगह धरने स्थल पे अपनी मांगों को लेके, इन तीन जिलों की वापसी की मांग को लेके बैठा है। और ये केवल हरियाणा या पंजाब का ही किसान नहीं, इवन राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अलग अलग प्रदेशों से जो सारी जो खबर आ रही है, तो पूरे देश के किसान की भावना जुड़ी है इस मुद्दे में। तो सरकार को चाहिए कि अपनी जिद को त्यागते हुए, राजहट को त्यागते हुए, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, केंद्र सरकार अपनी जिद को त्यागते हुए, राजहट को त्यागते हुए किसानों की बातों को माने। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई शासक या कोई सरकार छोटी नहीं होती। ये किसी का हार जीत का विषय ना बनाया जाए या किसी की अहम या ईगो का इशू ना बनाया जाए। सरकार किसानों को विश्वास में लेकर और विलंब ना करें, क्योंकि ये जो इतनी लंबी लंबी तारीख भी सरकार दे रही है और साथ में कहती है कि हम ये तो करें वापस तो लेंगे नहीं, और लंबी तारीख, तो वो तो बातचीत नहीं, कहीं ना कहीं वो तो और भी ज्यादा किसान को अपमानित करने वाली बात है। किसान और सरकार के बीच हाँ या ना को लेकर बढ़ते जा रहे गतिरोध को लेकर भी दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अपनी प्रजा की बात मानने से कोई सरकार छोटी नहीं होती, इसलिए सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और किसानों की मांगे मानकर उन्हें खुशी खुशी घर भेज देना चाहिए। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।